तो नमस्कार, जय हिंद फौजी भाइयों, आप सभी का एक्स सर्विस चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने फौजी भाइयों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं, उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 5 सितंबर 2019 को 357 पदों के लिए, जिसमें कि मुख्यतः जूनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर और अन्य कई पदों के लिए क्या था, वो वैकेंसी का जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी 16 दिसंबर 2019 को डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इस वीडियो में मैं अपने फौजी भाई को वो लेटर दिखाऊंगा और इस जॉब से जुड़ी हर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जॉब को अच्छी तरह से समझें और अप्लाई करने की कोशिश करें, और जिन फौजी भाइयों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, वो इस नोटिफिकेशन को देख के तुरंत से तुरंत अपने फॉर्म को अप्लाई करें और इस फील्ड में जाने की कोशिश करें। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अपने फौजी भाइयों को इस जॉब के बारे में टोटल हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है 10th पास, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे फौजी भाइयों। आप सिर्फ आपके पास एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मेरे मेरे प्यारे फौजी भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाली हर एक जॉब का नोटिफिकेशन और उससे जुड़े आरक्षण के बारे में आपको पल पल की खबर रहे। फौजी भाइयों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 16 दिसंबर 2019 को यह वो लेटर है जिसमें कि आपको क्लियरिफाई किया है कि आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर CBSE/Recruitment/Advertisement/FA/01/2019 डेटेड 15/11/2019 हैज़ बीन एक्सटेंड टू मंडे 23 दिसंबर 2019। इसका मतलब ये हुआ मेरे फौजी भाइयों कि 23 दिसंबर 2019 की मध्य रात्रि तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इस इन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी एजुकेशन सिर्फ क्या होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, और मैंने नोटिफिकेशन में यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, तभी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। और क्या क्या और कहें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली हो, जिसमें हमारा सिर्फ रिजर्वेशन जो है सिर्फ ग्रुप सी की जॉब के लिए हैं। आइए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए कई अन्य पदों के लिए जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया है। पर मैं फौजी भाइयों को बताना चाहूँगा, जिसमें जिन हम फौजी भाइयों का रिजर्वेशन है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो ग्रुप सी की पोस्टों के बारे में मैं आपको अभी टोटली बताना चाहूँगा कि कितने कितने हमको इसमें रिजर्वेशन मिला है और कितनी हमारी सीटें हैं। अगर आप मैं बात कहूँ अपनी सीटों की, तो हमारी सीटें जो होती हैं वो सिर्फ ग्रुप सी के अंदर आती हैं, जो कि सबसे पहले ग्रुप सी की पोस्ट देखेंगे तो आपका है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट जो कि लेवल पे लेवल 4 में आता है, और 7th CPC के अंदर पे बैंड 1 के अंदर इसकी जो पे स्केल होगी वो होगी 52,000 से 20,200 तक। ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और अगर दूसरी पोस्ट की बात करूँ, दूसरी पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर, जो कि ये भी लेवल 4 के अंदर आता है। 7th CPC के अंदर जो पे बैंड 1 और जो इसकी जो पे स्केल है वो भी आपका 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में है, और इसमें भी आप ग्रुप सी के अंदर की ही रखी गई है। और इस ग्रेड पे की बात करें, तो इसमें ग्रेड पे भी इसकी क्या है, 24 ही है। अगर हम तीसरी पोस्ट की बात करें, तो तीसरी पोस्ट इसमें आती है अकाउंटेंट की। अकाउंट ये भी आप देखा जाएंगे तो तीनों की कि तीनों जो पोस्टें हैं वो एक ही लेवल की हैं, और एक ही इनकी ग्रेड पे है, एक ही पे बैंड है, तीनों की तीनों ये समान है। अगर मैं चौथे की बात करूँ, तो चौथा आता है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 2 में आता है। इसका लेवल यहाँ पे मेरे प्यारे फौजी भाइयों चेंज हो गया है, इसका लेवल 2 में आता है और पे बैंड 1 के अंतर्गत है, और इसकी जो टोटल पे बनेगी जो आपकी इस हिसाब से 5,200 से लेकर 20,200 तक इसकी बनेगी। और इसकी ग्रेड पे की बात करूँ, तो इसकी ग्रेड पे क्या है, 1900 है। आप देखेंगे कि जो ऊपर की तीन जो पे हैं इनकी जो ग्रेड पे है वो 2400 है, और इसकी जो ग्रेड पे है वह 1900 है। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, तो इन तीनों की तीनों जो हमारी जो पे हैं
सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, इन 1, 2, 3, 4, 5, इन फाइव के फाइव जॉब के अंदर जो हमारी रिजर्वेशन सीटें रखी गई हैं वो 31 सीटें रखी गई हैं। हमको 31 सीटों के पर ही आरक्षण मिलेगा। तो मेरे फौजी भाइयों, तो ये कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप देखेंगे एक्स सर्विस मैन की जो हैं वो 31 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मेरे फौजी भाइयों कि आपको सिर्फ एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और आपको कुछ यहाँ के इसके रूल हैं वो पूरे करने के बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। अगर फौजी भाइयों इसके एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो लेवल की जो पोस्टें हैं उसकी एजुकेशन की बात करूं, सीनियर असिस्टेंट इसमें आपको ग्रेजुएट फ्रॉम रुकुजार यूनिवर्सिटी, तो इसमें रुकुजार यूनिवर्सिटी दे तो रखा है, पर फौजी भाइयों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब आप यहाँ से जब आप किसी भी अपने आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के भी जब आप वहाँ से रिटायर होते हैं तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट। वो आप वहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगा के आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो ये ना घबराएं कि आपके पास ग्रेजुएट नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो फौजी भाई मेरे इस वीडियो बनाने का यही माध्यम था कि आप लोगों को ये मालूम हो सके कि एक 10th क्लास वाला फौजी, एक 10th क्लास वाला आर्मी पर्सन, एक 10th क्लास वाला नेवी, एक 10th क्लास वाला एयरफोर्स का जवान भी इस फॉर्म को वो आराम से भर सकता है। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो फौजी भाइयों, तो जो फीस है वो फीस हम एक्स सर्विस मैन के लिए नील है करके, इसमें आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक्सचेंज जो है वो नील है। तो फौजी भाइयों मेरा आपसे कहना यही है कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करें और फिलअप करने के बाद अपनी तैयारी करना शुरू कर दें जिससे कि आप इस जॉब को पा सकें।